लखनऊ में एक पूर्व विधायक के बेटे की बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए हैं। यह हादसा लखनऊ के डालीबाग में हुआ जब एक पूर्व विधायक के बेटे की i20 कार रैन बसेरे में घुस गई। हादसा रात 2 बजे हुआ। कार में पूर्व विधायक के बेटे समेत 5 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, उनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 4 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, ट्रॉमा में हैं। कुछ को माइनर इंजरीज हैं जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, उसमें भी 2-3-4 लोग हैं और उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इसमें 2 लड़के पकड़ लिए गए हैं, जो गाड़ी है वो भी पकड़ ली गई है और इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा जा रहा है।